हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। हम 3.4 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कौन से मेन जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज में आने वाले हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है वो है एलाइड एंगल, कि एलाइड एंगल होता क्या है, एलाइड एंगल होते क्या है। इसमें देखिए, एन एंगल इज सेट टू बी एलाइड टू एन एंगल एक्स, यानी कि एक एंगल को अलाइड कब बोला जाएगा, टू एन एंगल एक्स, इफ देयर सम और देयर डिफरेंस, या तो उनका सम या फिर उनका डिफरेंस इज आइदर जीरो, या तो वो जीरो हो या फिर मल्टीपल हो पाई बाय टू का। तो उस केस में हम उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। यानी कि जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ, देखिए माइनस एक्स इज अलाइड टू एक्स, लिखा है कि जो माइनस एक्स एंगल है वो अलाइड होगा एक्स के। अगर हम इन दोनों का सम कर दें, यानी कि माइनस एक्स प्लस एक्स वैल्यू क्या है, जीरो। यही तो बताया गया था कि उनका सम या डिफरेंस क्या है, जीरो या फिर पाई बाय टू का मल्टीपल हो। दिस मीन्स माइनस एक्स अलाइड होगा किस एंगल के, एक्स के। उसके बाद देखिए, पाई बाय टू माइनस एक्स इज अलाइड टू एक्स। अब इनका भी हम सम कर देते हैं, पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस एक्स वैल्यू कैंसिल हुई तो क्या है, पाई बाय टू। अब ये पाई बाय टू है तो पाई बाय टू का ये मल्टीपल है। यहाँ से देखिए, पाई बाय टू प्लस एक्स इज अलाइड टू एक्स। अब देखिए, अगर हम इनका डिफरेंस लें, पाई बाय टू प्लस एक्स और उसमें से माइनस कर दे एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, वैल्यू क्या है, पाई बाय टू। अब भी ये क्या है, पाई बाय टू का मल्टीपल है। जैसे लास्ट एग्जांपल में देखिए, पाई प्लस एक्स इज अलाइड टू एक्स। अब पाई प्लस एक्स अगर हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, पाई प्लस एक्स इसमें से एक्स माइनस कर दे, तो वैल्यू क्या है, पाई। अब हमें क्या बताया गया था कि पाई बाय टू का मल्टीपल हो। अब पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू इंटू में पाई बाय टू। अब ये पाई बाय टू का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया। दिस मीन्स ये जो पाई प्लस एक्स है वो भी अलाइड होगा किसके, एक्स के। तो इस तरीके से हम अलाइड एंगल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें है टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ माइनस एक्स। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे, इन द टर्म ऑफ एक्स, किसकी टर्म में, एक्स की टर्म में, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। इसको समझने के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, मैं बता देता हूँ कि डायग्राम में क्या क्या लिखा गया है। फर्स्ट लिखा है, लेट ए रोटेटिंग लाइन ओपी। अब हमने एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया और वहां से जो ओपी एक लाइन है, जो रोटेटिंग लाइन है जिसको हम रोटेट करवा सकते हैं, वो हमने ड्रॉ की। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ओ एक्स। अब ये जो ओपी लाइन है इसकी इनिशियल पोजिशन क्या थी, ओ एक्स थी, यानी कि ये कंप्लीट यहाँ ओ एक्स पे थी। उसके बाद रोटेट करते हुए कहाँ पे चले गई, ये ओपी पे, मेकिंग एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो एंगल एक्स ओ पी है ये कितना बना रही है, एंगल एक्स हमने लिया है। उसके बाद लेट अनदर लाइन ओ पी डैश। अब एक अदर लाइन हमने ली ओ पी डैश, जिसकी जो डिस्टेंस है, जिसकी जो लेंथ है, वो किसके इक्वल है, ओपी के ही इक्वल है। दिस मीन्स ये जो दोनों साइड हैं ये क्या है, इक्वल है। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ओ एक्स। अब ये जो ओपी डैश की इनिशियल पोजिशन थी वो भी क्या थी, ओ एक्स, और उससे रोटेट करती हुई ये कहाँ पे आई, ओपी डैश पोजिशन पे। उसके बाद है रिवॉल्व इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल एक्स। अब ये जो ओपी डैश है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, और जो ओपी डैश है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। उसके बाद सो दैट जो एंगल एक्स ओपी डैश है वो हमने क्या लिया, माइनस एक्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में हम जो भी एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में हम कौन से एंगल लेते हैं, पॉजिटिव एंगल। उसके बाद देखिए, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। पी से हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको नाम दिया पी एम, एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड पी डैश एम डैश, और इसी तरह पी डैश से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी डैश एम डैश किस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये जो पी डैश और एम डैश लिखा है ये डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो पी एम है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स एक्सिस के अबव है। इतना हम लिख चुके हैं, मैंने आपको डायग्राम समझा दिया है। उसके बाद देखिए, इन ट्रायंगल, अब यहां दो ट्रायंगल आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रायंगल पी ओ एन, यानी कि एक्स एक्सिस के जो अबव ट्रायंगल है, एन ट्रायंगल पी डैश ओ एम डैश। अब हमने ये दो ट्रायंगल, एक अपर ट्रायंगल और एक लोअर ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए कॉमन पॉइंट क्या क्या है। जो एंगल पी एम ओ है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल, वो किसके इक्वल है, एंगल पी डैश
एम डैश ओ के बोथ आर राइट एंगल, ये हमने एज्यूम किया है बोथ आर राइट एंगल, अब दोनों क्या है राइट एंगल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए क्या होगा, जो ओपी लाइन है वो किसके इक्वल है ओपी डैश के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन आप लिखोगे इसको, ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया कि दोनों लाइनों की जो लेंथ है वो क्या है इक्वल। जो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर थर्ड, उसमें देखिए जो एंगल पी ओ एम है वो किसके इक्वल होगा एंगल पी डैश ओ एम डैश के, अब इसकी वैल्यू क्या थी एक्स, इसकी वैल्यू क्या थी माइनस एक्स, अब वो एक्स और माइनस एक्स क्यों थे क्योंकि उनकी डायरेक्शन अलग अलग थी, लेकिन एक्चुअल में जो उनका मैग्नीट्यूड है वो तो क्या रहेगा इक्वल, यानी कि ये एंगल भी अगर 45 है ये भी 45 है, अब ऊपर वाले को हम क्या शो कर रहे हैं कि वो प्लस 45 है क्योंकि डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाले को हम क्या शो कर रहे हैं कि नेगेटिव 45 है क्योंकि डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, लेकिन एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो क्या है 45 ही है। यहां से हम लिखेंगे बिकॉज दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, डायरेक्शन भले ही अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड है जो वो इक्वल है। उसके बाद देखिए दिस मीन्स यहां से जो ट्रायंगल है पी ओ एम वो कंगुरेंट होगी किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल पी डैश ओ एम डैश, बाय कौन से रूल के कंगुरेंट होगी बाय ए ए एस रूल, अब यहाँ ए एस ए रूल नहीं है ए ए एस रूल है, ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट है तो इनके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है वो भी क्या होंगे कंगुरेंट होंगे, अब फर्स्ट में देखिए जो ओ एम की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी ओ एम डैश के, यहां से हम क्या लिखेंगे बाय सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कंगुरेंट ट्रायंगल। उसके बाद देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं कि जो पी डैश एम डैश की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी पी एम की, अब ये भी क्या होगा बाय सीपीसीटी, एंड अब सीपीसीटी से तो दोनों इक्वल होने चाहिए, अब यहां नेगेटिव साइन क्यों लिया बिकॉज दे हैव अपोजिट डायरेक्शन, अब इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में हम साइन क्या लेते हैं अपोजिट लेते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, अगर कोई लाइन है ए बी यहां पे पॉइंट ओ है और यहां आपको डायरेक्शन दी गई है कि जो ओ बी लाइन की डायरेक्शन है वो राइट है और जो ओ ए लाइन की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की ओर है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लिया ये भी 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर है, अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि जो ए ओ लाइन है वो नेगेटिव होगी ओ बी के, मीन्स यानी कि इनका मैग्नीट्यूड तो क्या है इक्वल और ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है इक्वल लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट, एक राइट साइड जा रही है और दूसरी लेफ्ट साइड जा रही है, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम उन केस में इनके साइन क्या लेते हैं अपोजिट, या आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो यहां से इतना हो गया, उसके बाद देखिए दोनों ट्रायंगलों को हमने कंगुरेंट प्रूव किया और ये जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है ये भी क्या है इक्वल आए। उसके बाद जो अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल में देखिए मैं यहां दोनों ट्रायंगल में लिखता हूं, इन ट्रायंगल पी ओ एम, जो पी ओ एम ट्रायंगल है यहां से अगर आप साइन एक्स की वैल्यू निकाले, किसकी वैल्यू निकाले साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, सिर्फ मैं अपर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है पी एम डिवाइड में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है ओपी, ओपी लिख सकते हो या पी ओ लिख सकते हो, इसी तरह जो कोस एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यानी कि ओ एम यानी कि एम लेंगे एम डैश क्या है नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, ओ एम डिवाइड में क्या हो जाएगा पी ओ, इसी तरह हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट एक्स, इसको लिख लेते हैं इसको उल्टा करके लिख देते हैं पी ओ डिवाइड में पी एम, यहां से इसका उल्टा सेकेंट एक्स इसको हम लिख देते हैं पी ओ डिवाइड में ओ एम, ठीक है इतना हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल में, टेंजेंट एक्स यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर पी एम और बेस क्या होगा ओ एम, बेस क्या होगा ओ एम, इसी तरह जो कोट एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी टेंजेंट एक्स का रिवर्स उल्टा रेसिप्रोकल यानी कि ओ एम डिवाइड में पी एम। अब अपर ट्रायंगल से हमने जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको डिफाइन किया,
इसी तरह यहां से देखिए, इन ट्रायंगल पी डैश ओ एम डैश। अब नीचे वाली ट्रायंगल में देखिए एंगल क्या है, माइनस एक्स। एंगल क्या है, माइनस एक्स। तो जो साइन ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन ऑफ माइनस एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, पी डैश एम डैश, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी डैश, ओ पी डैश। अब यहां से देखिए जो पी डैश एम डैश है उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में पी एम, माइनस में पी एम। उसके बाद देखिए जो ओपी डैश है, ओपी डैश को हमने किसके इक्वल लिया था, ओपी के। ओपी डैश को किसके इक्वल लिया था हमने, ओपी के। अब मैं इसको लिख सकता हूं माइनस में इंटू पी एम बाय में ओपी। अब जो पी एम बाय ओपी है, पी एम बाय ओपी कह लो या फिर इसको पी ओ कह लो, अब यहां से देखिए किसके इक्वल है, साइन एक्स के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं उसको, माइनस ऑफ साइन एक्स। यानी कि हमें फर्स्ट रिजल्ट क्या मिला कि जो साइन ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन के। इसी तरह देखिए सेकंड ट्रायंगल में कोस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, कोस ऑफ माइनस एक्स। ये सेकंड ट्रायंगल है, कोस किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, ओ एम डैश, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ओ पी डैश। ओ एम डैश किसके इक्वल है, ओ एम डैश ओ एम के इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एम। और ओपी ये क्या है, ओपी डैश था, तो ओपी डैश किसके इक्वल है, ओपी के। यहां से मैंने आपको बताया था। अब देखिए जो ओ एम बाय ओपी है, ओ एम बाय ओपी या फिर पीओ कह लो, ये किसके इक्वल है, कोस एक्स। तो ये हमने ऊपर वाले ट्रायंगल से रिजल्ट यूज किए, तो जो कोस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आई वो क्या आई, कोस एक्स। इसी तरह सिकेंट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, सिकेंट इसका उल्टा होगा, यानी कि ओपी डैश डिवाइड में ओ एम डैश। और ओपी डैश किसके इक्वल है, ओपी के। और ओ एम किसके, ओ एम डैश किसके इक्वल है, ओ एम के। तो यहां से भी वैल्यू क्या आएगी, सिकेंट एक्स आएगी, क्योंकि ओपी बाय ओ एम किसके इक्वल था, सिकेंट एक्स के। इसी तरह कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, अब वो क्या किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ओ पी डैश डिवाइड में पी डैश एम डैश। अब ओपी डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, ओपी के। पी डैश एम डैश की वैल्यू क्या है, माइनस पी एम के। तो यहां से वैल्यू ओपी बाय पी एम की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट एक्स, साथ में नेगेटिव है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे, टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स, यहां से देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, पी डैश एम डैश, बाय में बेस ओ एम डैश। पी डैश एम डैश किसके इक्वल है, माइनस ऑफ पी एम के। और ओ एम डैश किसके इक्वल है, ओ एम के। अब ये पी एम बाय ओ एम क्या था, टेंजेंट एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस में टेंजेंट एक्स। सेम इसी तरह अगर आप कोट ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो भी क्या आएगी, किसके इक्वल आएगी, कोट ऑफ एक्स, यानी कि साथ में क्या लगेगा, नेगेटिव, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा बस टेंजेंट का। तो इस तरीके से हमने कुछ रिजल्ट निकाले जिनको मैं अलग से आपको लिख के दिखा देता हूँ, इसको रफ कर लेते हैं। ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में भी, और आगे क्लास ट्वेल्थ के लिए भी, ग्रेजुएशन के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के। इसके कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए कि साइन ऑफ माइनस 45 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं कि माइनस में साइन 45 की वैल्यू बता सकते हैं। यानी कि जो साइन 45 की वैल्यू होगी वो क्या होती है, 1 बाय अंडर रूट 2, और उसके साथ क्या लगा दीजिए, नेगेटिव। तो साइन की माइनस 45 डिग्री एंगल पे वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 बाय अंडर रूट 2। यानी कि इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप वैल्यू निकालें साइन ऑफ माइनस के 90 डिग्री की, अब उसको आप क्या लिखोगे, माइनस में साइन ऑफ 90 डिग्री। अब साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये वैल्यू क्या आई, माइनस 1। यानी कि साइन माइनस 90 डिग्री पे क्या वैल्यू देगा, माइनस 1। तो इस तरीके से आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको एंगल नेगेटिव गिवन है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस साइन एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया, प्लस कोस एक्स के। उसके बाद जो सिकेंट ऑफ माइनस एक्स आया वो किसके इक्वल आया,
प्लस का सिकेंट एक्स, जो कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स आया वो किसके इक्वल आया, माइनस कोसिकेंट एक्स के। इसी तरह टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस टेंजेंट एक्स के, और कोट ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा माइनस कोट एक्स के। अब यहां से देखें, सिर्फ आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे दिख रहे हैं जो नेगेटिव एंगल पे भी सेम वैल्यू देते हैं और पॉजिटिव एंगल पे भी सेम वैल्यू देते हैं। लेट सपोज अगर आपको कोस ऑफ माइनस 45 की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधा क्या करेंगे, कोस 45 की वैल्यू बता देंगे, यानी कि जो वैल्यू कोस की 45 डिग्री पे होगी वही वैल्यू किस पे होगी, माइनस 45 डिग्री पे होगी। अब कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो कोस ऑफ माइनस 45 की भी वैल्यू क्या होगी, 1/√2। इसी तरह जो कोस 90 की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, कोस ऑफ माइनस 90 की। इसी तरह जो कोस ऑफ 60 की वैल्यू होगी वही वैल्यू किस पे होगी, कोस ऑफ माइनस 60 पे। सेम एज इट इज किस में होता है, सेकेंड में। यानी कि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं, चाहे वो एंगल नेगेटिव हो चाहे वो एंगल पॉजिटिव हो, वो सेम वैल्यू देते हैं। बाकी जो चारों एंगल हैं वो क्या देते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं, यानी कि वैल्यू चेंज हो जाती है उस केस में।